जी अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अब्बू कहाँ हैं? वो सो रहे हैं। सो रहे? अब्बू को बोलो तबलीगी जमात आई है। जी अंकल। सुभान अल्लाह। अब्बू कह रहा है मैं घर पर नहीं हूँ। अब्बू कह रहे हैं वो घर पे नहीं है। बेटा अब्बू को जाके बोल दो मगरिब की नमाज के बाद दीन यकीन की बात होगी मस्जिद में, मस्जिद तशरीफ ले आए। जी अंकल। सुभान अल्लाह। इलियास भाई मस्जिद की तरफ चले। सुभान अल्लाह। अमीर साहब। जी इलियास भाई। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? ज़रूर पूछ सकते हैं। ये हमारे साथ जो नकाश भाई हैं, इनको आपने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए कहाँ से और कैसे कबूल किया था? इलियास भाई ये 2016 की बात है कि हम लाहौर रायमंड इज्तिमा के लिए जा रहे थे। खिदमत वाले आप लोग चाय का बंदोबस्त साथियों के लिए करो। अमीर साहब चाय आ गए। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। अमीर साहब वो सामान में खजूर भी खत्म हो रहे हैं। नासिर साहब रास्ते में ले लेना। सही है अमीर साहब, सही है, सही। यार कोई और सीट खाली है? जी ये सीट खाली है। السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. بھائی کا اسم مبارک کیا ہے؟ نقاش. نقاش ما شاء الله. نقاش بھائی کہاں کی روانگی ہے؟ جی لاہور جا رہا ہوں، ایک میوزک ویڈیو کی شوٹ ہے. نقاش بھائی ہم سب بھی لاہور رائمنڈ جا رہے ہیں، تو سفر کافی لمبا ہے، کیوں نہ اپنا تعارف کرائیں، एक दूसरे को जान भी जाएंगे और सफर भी खुशगवार गुजरेगा। जी हम अख्तर साहब, ये भाई अब्दुल हादी, ओ भाई फैजान, कारी नासिर साहब और ये हमारे अमीर साहब। लगता है रेल चलने लगी है, सब सफर की दुआ पढ़ लें। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نقاش بھائی آپ میوزک ویڈیوز ہی بناتے ہو یا کچھ اور بھی کرتے ہو؟ جی میوزک ویڈیوز بھی بناتا ہوں اور ارادہ ہے ایکٹنگ کی طرف بھی چلا جاؤں. آپ کی مسکراہٹ کی وجہ جان سکتا ہوں؟ جی بے شک، किसी ज़माने में मैं भी एक्टर हुआ करता था, शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन। लेकिन वो बेदीन रह गए और अल्लाह ने मुझ पर फजल कर दिया। हम सब यही दुआ करेंगे कि अल्लाह शाहरुख खान को भी दीन इस्लाम की तरफ चलने और इस तबलीग की तरफ रागिब कर दे। आमीन। अगर वो तबलीग की तरफ रागिब हो गए तो नौजवानों का एक बड़ा तबका तबलीग की तरफ राग़िब हो जाएगा। नकाश भाई क्या हुआ? अमीर साहब कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है। नासिर भाई नकाश भाई के सर को दबाओ, 7 मरतबा सूरतुल फातिहा चुफ करो, अल्लाह शिफा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह यरहमकुमुल्लाह। अमीर साहब एक दो खजूर का के मैं सोता हूँ, तहज्जुद के लिए भी उठना पड़ेगा और आप लोगों की खिदमत भी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल आप सो जाओ, सोने की दुआ पढ़ के सोना। ठीक है अमीर साहब।
अमीर साहब मैं भी बहुत थक गया हूँ, मुझे भी सोना चाहिए। बिल्कुल, आप भी सो जाएं। अगर आप साथी में से किसी ने सोना है तो आप लोग भी सो सकते हैं। नहीं अमीर साहब, हम अपने जिक्र अस्कार मुकम्मल कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। निकालो जो भी है, जल्दी से निकालो निकालो। सब दे रहे तसल्ली से, हम आपको सब देंगे लेकिन आपने हमारी बात भी सुननी होगी। सही है, हम आपकी बात सुनेंगे, जल्दी से निकालो, मेरे पास टाइम नहीं है। ये फजाइल अमाल है, कोशिश करो इसको घर में पढ़ो। ये तस्बीह, ये मसवाक, ये घड़ी, मोबाइल। अख्तर साहब मोबाइल भी मांग रहे हैं। दे दे जी। ये मोबाइल है, अगर आपने इसमें से सिम दे दी तो साथियों के साथ हम रابطے में रहेंगे। पैसे खिदमत वाले, पैसे भी दे दो। अमीर साहब मेरे साथ टोटल 3500 रुपये है, सब के सब आपको दे दिए। ये 3500 रुपये भी आप रख लें। वो भाई जान, आप भाई जान वो मेहमान है, उसके सर में दर्द है, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो बहुत अच्छा होगा। हमने आपको सब चीज़ें दे दी है और हमने आपसे कहा था कि आप हमारी बात सुनेंगे, तो 2 मिनट हमारी बात सुन लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी आपकी और तमाम उम्मत इस्लामी की कामयाबी पूरी पूरी दिन में रखी। ये दिन मुझ में आप में तमाम अहले मुस्लिमों में कैसे आई, इसके लिए ज़बरदस्त मेहनत की जरूरत है। इसी मेहनत के सिलसिले में हम रायवंड जा रहे हैं, आप अगर हमारे साथ चलें तो आपका वक्त कीमती हो जाएगा। यार आप लोग किस किस्म के इंसान हैं, अपने मेहमान का भी ख्याल रख रहे हैं, हमें सब कुछ सामान भी दे दिया है और हमें दीन की तबलीग भी दे रहे हैं। आप झूठ भी बोल सकते थे भाई। अगर हम झूठ बोलते तो हमारी इस तबलीग का क्या फ़ायदा। अमीर साहब आपकी मोहब्बत और खलूस देखकर मैं आप लोगों से बहुत मुतासर हुआ हूँ और मुझे भी इस राह पर चलना है। अमीर साहब मुझे भी इस राह पे चलना है। माशाल्लाह से अमीर साहब 5 बंदे जा रहे थे और अभी 8 बंदे जा रहे हैं इज्तिमा में। अल्लाह जाने इज्तिमा तक पहुंचते पहुंचते हम कितनी बड़ी जमात बन गए होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब फिक्रमंद हो जाओ ना तो अल्लाह फजल व करम करता है, जमात तैयार कर देता है। अल्लाह चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के। यस भाई, और अल्लाह के फजल व करम से उस दिन के बाद नकाश कबूल हो गए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे अमीर साहब, अख्तर साहब को आपने कहाँ से कबूल किया था? अख्तर साहब को कैफियत उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी चाहिए भाई, जो है ना हमारी वीडियो देख के सिर्फ रोजा लगा के हुए स्पेशल अमीर साहब आपके लिए। आपने बैटिंग बहुत अच्छी की थी मैच में। दावत तंदी तंदी जिंदाबाद, क्या बात है। बहुत ही अच्छी स्टोरी इन्होंने क्रिएट करी और इसके अंदर जो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स थी ना उन पे गौर व फिक्र फरमाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरी दुनिया की यूथ, नॉट ओनली यूथ यार, ओल्ड एज पीपल ऑल्सो नीड टू लिटरली अप्लाई इट इन देयर लाइफ। एक अपनाने वाली बात है कि मुस्कुराहट, आपको बार बार मुस्कुराते रहना है क्योंकि ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट इट। हम लोग सब यहाँ से एक ना एक दिन जाने वाले हैं, ये कन्फर्म है भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई बच जाएगा यहाँ पे। जो पैदा हुआ है दैट पर्सन हैज़ टू गो वन डे। तो हम यार सैड रह करके क्यों अपनी ज़िंदगी बिताएं, मुस्कुराइए। सुभान अल्लाह, जस्ट मुस्कुराइए। मुझे तो यार मुस्लिम्स की इमेज मोस्टली मीडिया अच्छी शोकेस नहीं करता है,
जो कि रियलिटी नहीं है, ये है एक असली इमेज। कितने तहजीबदार अदब भरे हुए सारे मुस्लिम्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आए से मेरे तो दिल को छुआ है, आई रियली लव्ड इट। और आपको मैं बता दूं कि इस्लाम एक बहुत ही प्यारा दीन है, कितनी तहजीब से उन्होंने कोई ऐसे फोर्सफुली नहीं किया था। दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख, चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख।